सुबह भस्म आरती के बाद महाकाल मंदिर परिसर स्थित कोटेश्वर महादेव सहित अन्य मंदिरों में पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया है। 11 पंडितों ने विधि विधान से पूजन संपन्न किया और आज से 9 दिनों तक महाकाल का पंचामृत पूजन और लघु रुद्र अभिषेक किया जाएगा। इस पर्व के दौरान महाकाल 9 अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। खास बात यह रहेगी कि इस शिव नवरात्रि महोत्सव में बाबा को हल्दी के उपतम से लेकर बारात तक की रस्म विधि विधान से पूरी की जाएगी। इस पृथ्वी के निर्माता भी हैं और संहारकर्ता भी हैं। शिव की नवरात्रि का बड़ा महत्व है, लेकिन अवंतिका के लिए उससे विशेष महत्व इसलिए है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अंदर शिव नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये देश में केवल एक महाकालेश्वर मंदिर ही है जहाँ शिव नवरात्रि होती है। आज पंचमी है और आज से शिव नवरात्रि प्रारंभ हुई है। सर्वप्रथम यहाँ भगवान की जो कोटेश्वर होते हैं, जो महाकालेश्वर के भ्राता के रूप में माने जाते हैं, सर्वप्रथम उनकी पूजा होगी। 11 पंडित ब्राह्मण विराजेंगे, उनकी पूजा करेंगे। उसी के पश्चात गर्भगृह में भगवान का ज्योतिर्लिंग का आज से 9 दिन तक पंचामृत पूजन और लघुरुद्र अभिषेक जो होता है वो प्रतिदिन भगवान का होगा। उज्जैन के महा